हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग एक और शॉर्ट स्टोरी पढ़ने वाले हैं जिसका टाइटल है मिस ब्रिल। इस शॉर्ट स्टोरी को न्यूजीलैंड की एक राइटर ने लिखा है जिनका नाम है कैथरीन मैंसफील्ड। ये शॉर्ट स्टोरी पब्लिश हुई थी 1920 में और इसकी पॉइंट ऑफ व्यू है थर्ड पर्सन। इस शॉर्ट स्टोरी के सेटिंग की बात की जाए तो फ्रांस में एक पब्लिक पार्क है, वहाँ पर इस शॉर्ट स्टोरी की सेटिंग रखी गई है। और इस स्टोरी का नाम मिस ब्रिल इसलिए है क्योंकि जो स्टोरी की मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो मेन हीरोइन है, उसका नाम है मिस ब्रिल, तो उसी के नाम पर इस स्टोरी का टाइटल रखा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग इस स्टोरी को शुरू करते हैं। तो स्टोरी शुरू होती है, स्प्रिंग का मौसम था और जो हमारी हीरोइन है, प्रोटैगनिस्ट है मिस ब्रिल, वो एक पार्क में बैठी हुई थी, एक पब्लिक पार्क में बैठी हुई थी। और वो एक फ़र का कोट पहनी थी जो कि उन्हें बहुत पसंद था और उससे वो बातें करती थी। मतलब उस फ़र के कोट से वो बातें करती थी और वो ये इमेजिन करती थी कि वो जो कोट है वो भी इनसे बातें कर रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो मिस ब्रिल है वो कितनी ज़्यादा अकेली है, कितनी ज़्यादा लोनली है अपने लाइफ में कि उन्हें अपने एक कोट से बातें करनी पड़ रही हैं। तो उस पार्क में बैठे बैठे वो लोगों को नोटिस कर रही थी कि किस किस टाइप के लोग आ रहे हैं, वो लोग क्या क्या कर रहे हैं, कि किस टाइप की बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो सब वो नोटिस कर रही थी। मिस ब्रिल हमेशा उस पार्क में एक ही जगह पे बैठती थी, उनका एक फिक्स्ड सीट था और वहीं पे बैठ के वो हमेशा लोगों को, एवरी संडे मॉर्निंग में वो जाती थी उस पार्क में और हमेशा लोगों को वैसे ही नोटिस किया करती थी, उन्हें देखा करती थी। तो वैसे ही वो नोटिस करती हैं कि एक बूढ़ी औरत और एक बूढ़ा आदमी आता है उस पार्क में और वो लोग चुपचाप बैठ जाते हैं एक सीट पर और वो लोग कुछ भी नहीं बातें करते, एकदम चुपचाप शांत बैठे रहते हैं। तो मिस ब्रिल उन्हें देख के थोड़ा अजीब फील करती है। वो ये सोचती है कि जितने भी बूढ़े लोग हो जाते हैं वो लोग सब हमेशा अकेले रहने लगते हैं, अकेले हो जाते हैं, उनके पास कुछ भी कहने को नहीं होता, कुछ भी बातें करने को नहीं होता, वो लोग एकदम अकेले होते हैं, एकदम चुपचाप होते हैं। फिर उसके बाद उस पार्क में एक कपल आता है, एक आदमी आता है और उसके साथ एक औरत आती है और वो लोग कुछ बातें कर रहे होते हैं और मिस ब्रिल बड़े ही ध्यान से उनकी बातें सुन रही होती है। और वो नोटिस करती हैं कि जो औरत थी वो एक शैबी हैट पहनी हुई थी। मतलब जितने भी लोग उस पार्क में आते थे मिस ब्रिल उनके कपड़े नोटिस किया करती थी, उनका उनके कपड़ों से उनका जो स्टैंडर्ड था वो सब गेस किया करती थी। फिर मिस ब्रिल सोचती है कि वो लोग कुछ इंटरेस्टिंग बात करेंगे लेकिन वो लोग कुछ भी इंटरेस्टिंग बात नहीं करते। फिर उसके बाद मिस ब्रिल ये नोटिस करती हैं कि एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है और उसके चारों तरफ कुछ यंग गर्ल्स हैं। तभी मिस ब्रिल के दिमाग में एक थॉट आता है, वो ये सोचती हैं कि जितने भी लोग इस जगह पे हैं, इस दुनिया में हैं, वो लोग सब एक्टर्स हैं, वो लोग सब एक्टिंग कर रहे हैं, सारे परफॉर्म कर रहे हैं, वो लोग ही ऑडियंस हैं और वो लोग ही परफॉर्मेंस भी है। और जो स्काई है वो एक स्टेज है और हम लोग सब यहाँ पे एक्टिंग कर रहे हैं, सब लोग हम लोग सब यहाँ पे एक ड्रामा कर रहे हैं, अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और वो सोचती है कि वो भी इस प्ले का ही एक पार्ट है, वो भी इस ड्रामे का ही एक पार्ट है और वो भी एक रोल ही प्ले कर रही है इस पूरे लाइफ के ड्रामा में। तो इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि जो मिस ब्रिल थी वो बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेटिव थी, बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेशन पावर उनकी अच्छी थी। फिर उसके बाद वो जो बेंच था जिस पे वो बूढ़ा आदमी और औरत बैठे हुए थे, वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और उनके जगह पे एक यंग लड़का और लड़की आके उस बेंच पे बैठ जाते हैं। फिर मिस ब्रिल वो लड़का और लड़की को देखते हैं और वो उनके कपड़े देखती हैं और वो ये देखते हैं कि वो लोग काफ़ी अच्छे कपड़े पहने हुए थे और इससे वो मिस ब्रिल सोचती हैं कि ये लोग काफ़ी रिच फैमिली हो सकते हैं, रिच फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। फिर मिस ब्रिल उन लोगों की बातें सुनने लगती हैं। तो मिस ब्रिल सुनती हैं कि वो जो लड़का था वो उस लड़की से कुछ कह रहा था, कुछ बोल रहा था करने के लिए, लेकिन वो लड़की मना कर रही थी कि नहीं नहीं यहाँ नहीं यहाँ नहीं। और फिर वो लड़की कहती है कि इस पार्क में कुछ बूढ़े लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों को इस पार्क में आने की क्या ज़रूरत है। और वो ये बात मिस ब्रिल को दिखाते हुए कहती है, मिस ब्रिल की तरफ इशारा करते हुए कहती है। मिस ब्रिल को ये बात बहुत बुरी लगती है, वो हर्ट हो जाती हैं। फिर वो लड़की कहती है कि देखो ना उसने कितनी अजीब सी कोट पहनी हुई है, वो कितना अजीब सा लग रहा है कि एक जली हुई मछली जैसा एक कोट पहना हुआ है उसने। और ये कह के वो लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। तो मिस ब्रिल जो थी वो ये सुन के बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है, बहुत ज़्यादा सैड हो जाती हैं। फिर वो उस पार्क से उठ के चली जाती हैं, अपने घर आने लगती हैं। और एवरी संडे जब वो उस पार्क से लौटती थी अपने घर तो हमेशा केक खरीदती थी मार्केट से, लेकिन इस बार उन्होंने वो केक वगैरह कुछ भी नहीं खरीदा और वो चुपचाप आती हैं अपने घर में, अपने रूम में जाती हैं और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती हैं। फिर वो अपना कोट उतारती हैं और उस कोट को एक बॉक्स में भर देती हैं और भर के
रख देती हैं। तो जैसे ही वो कोट को उस बॉक्स में रखती हैं, उन्हें किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है और यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। एक्चुअली जब उस लड़की ने उन्हें वो सब कहा तो उनका जो भी कॉन्फिडेंस लेवल था वो सब ख़त्म हो गया और वो अपने आप को और उस कोट को सिर्फ उस लड़की के नज़र से देखने लगी कि हाँ ये कोट कितना अजीब है, कितना अजीब सा लग रहा है, कितना पुराना लग रहा है। और पहले जो उन्हें वो कोट बहुत ज़्यादा पसंद हुआ करता था उससे अब उन्हें नफ़रत सी होने लगी थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस लड़की ने उस कोट की बुराई कर दी थी। और लास्ट में जो रोने की आवाज़ सुनाई देती है मिस ब्रिल को, वो आवाज़ उनकी खुद की थी कि अब उनका सारा कॉन्फिडेंस लेवल ख़त्म हो चुका था और वो अब किसी से भी बात नहीं करने वाली थी फ्यूचर में, और वो अब उस रूम से नहीं निकलने वाली थी और वो अपने आप को उस रूम में बंद कर देती और हमेशा अपसेट रहती, उदास रहती, एकदम शांत हो जाती। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी, और जो कोई भी डाउट हो, सजेशन हो, आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, एंड थैंक यू।